नहा करके रेडी हो चुके हैं, वाशु को मैंने नहीं नहलाया, वाशु को सिर्फ हाथ पैर मुंह धुला के कपड़े चेंज कर दिया है क्योंकि इसकी तबीयत ऐसे भी नहीं ठीक है, और भगवान जी वैसे भी बच्चों को माफ़ी कर देते हैं। मैं नहा करके रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहना है रेड रेड कुर्ती, शर्ट तो पिंक लग रहा है। हाँ, इसमें पता नहीं कि वो लाइट की वजह से लग रहा है, लेकिन इसके बाद अभी हम निकलते हैं दर्शन करने के लिए। पिंक भी ठीक लग रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे कितनी ठंड पड़ेगी, कितनी क्या होगा। एक जैकेट बस मैं अपना लेके आई हूँ, एक स्वेट शर्ट वो लेकर के आए हैं, बाकी शर्ट वर्ट है, लेकिन ठंड वाले कपड़े जो है वो हमने एक एक ही रखा। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। वाशु का अंदर मैंने इनर पहनाया हुआ है, देखिए ऊपर से ये पहनाया हुआ है, अब ऊपर से ये वाला इसको जैकेट पहना दूंगी। कैप भी लिया है तो कैप की ज़रूरत पड़ेगी तो कैप भी लगा दूंगी, हो जाएगा। बाकी मैंने अपना एक शॉल लिया हुआ है, ये शॉल, और जैकेट एक है मेरा, इनका बस एक स्वेट शर्ट है, बाकी सब शर्ट है। तो देखिए कैसे क्या मैनेज होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, लग गया। तो हल्का हल्का एकदम धूप है, बहुत ज़रा ज़रा सा, पहाड़ ही पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़। हाँ, बारिश हो रही है क्या? दो कैप लगा दो, हवा तेज है। हाँ, हो रही है, हो रही है, रेन हो रही है। इतनी ऊँची ऊँचे पहाड़ है, पूरा हम लोग पहाड़ के बीचों बीच में हैं, देखिए चारों तरफ ही पहाड़ी पहाड़। लोग माउंटेन के नीचे रहते हैं, कितना ज़्यादा वो लगा है। हाथ दर्द काम नहीं कर रहा है, वाशु आ गई है। सबकी सब कारें रुकी हुई हैं, मैं दिखाती हूँ, इतनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, ये बादल है। और देखिए वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, ये कोई गाड़ी है जा रही है, पूरा बादल ही बादल है, बादल। कितना ऊपर पहाड़ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, कितना ऊपर, तो जैकेट वो वाला था तो ये इसका नहीं भीगा, लेकिन मेरा कपड़ा भीग गया, इनका भी भीग गया पूरा, तो हमने चेंज कर लिया, वही पहन लिया वापस, क्योंकि वापस हम वॉश करके डाल नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। और आज तो अभी हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ दर्शन ही करना है, हमारा मेन पर्पस था। तो अब कल जाएंगे, कल देखते हैं बारिश होगा या जो भी, कल तो जाना ही जाना है। टाइम क्या हो रहा है वो भी मैं आप सभी को बता दूं, 3:34 हो गए। लाइट की भी प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि एकदम बिल्कुल पहाड़ पे है ना, बर्फ बारिश ठंड ये सब है, तो इसकी वजह से लाइट इधर भी बता रहे लोग कि ख़राब हो जा रहा है बार बार। तो अभी को आई है थोड़ी देर पहले, और हम लोग जैसे एंट्री किए उस वक्त लाइट नहीं थी, कपड़े सारे हमने इसी तरीके से यहाँ पे डाले हुए हैं, सुखाने का कोई और जगह है नहीं। लाइट क्या, ये इन्वर्टर है, ये लाइट नहीं है, क्योंकि अगर लाइट रहती तो हीटर चलता, हीटर अभी हमारा ऑफ है, और टीवी भी चलता। हाँ, टीवी भी चलता, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना थोड़ी देर सो ले हम, मुझे भी 2-3 महीने। अच्छा, ब्लॉग में तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। कुछ ड्रेसेस मैंने मंगवाए हुए हैं अमेजोन से, क्योंकि हर वीडियो में आप सभी को बताती हूँ कि अमेजोन पे जब भी ऑफर चलता है, जब भी, तो मैं जो मैंने सेव किया रहता है वो चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ, और आप सबको भी इन्फॉर्मेशन देने आ जाती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ें मंगवाई हुई हैं, अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है तो आप भी ले सकते हैं, और ऑफर चलता है तो उसके बाद आप परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिना देर के मैं जल्दी से आप सभी को बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने मंगवाया हुआ है कि यह प्यारा सा टॉप है, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मस्टर्ड कलर है, और ये है अर्बन मार्क ब्रांड से।
और काफी अफोर्डेबल है, काफी कंफर्टेबल है। मैंने पहना हुआ है तो मुझे पता है अच्छे तरीके से। इसमें कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, साइजेस डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपकी साइज हो वो मंगवा सकते हो इसी वजह से। तो चलिए मैं इसका लुक भी दिखा देती हूँ, और इसका सारे भी ड्रेस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी, ताकि आप सभी इजिली इन सारे ड्रेसेस पे पहुंच जाए। सेकेंड ड्रेस जो मैंने मंगवाया है ये है रंगीता ब्रांड से, और काफी कम्फर्टेबल है ये, कॉटन फेब्रिक है। प्रिंट इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, स्लीव आप देख सकते हैं, यहाँ तक स्लीव आएगी, 3/4 स्लीव है इसकी, और नेक पे राउंड नेक है इस तरीके से। नेक पे भी आपको थोड़ा सा लेस टाइप से लगी हुई है मिल जाएगी, बटन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, स्लिप पे भी इस तरीके से लेस की कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। फैब्रिक इसका एकदम माइंड ब्लोइंग है, बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने पिछली बार जो मंगवाया था ना उससे भी ज्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका, और प्रिंट तो है ही अच्छा। इसमें आपको अलग अलग प्रिंट चाहिए, अलग अलग कलर चाहिए, साइजेस अलग चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ इसमें कुर्ती का है साइज जो है मंगवाया हुआ है अपना एम, मैं एम ही मंगवाती हूँ, मतलब मैं अपने साइज से एक साइज ज्यादा पहनती हूँ, मुझे लूज कपड़े पसंद आते हैं जैसे कि मैंने हर वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है। अच्छा लग रहा ना, साइड में मैं लगा दूंगी, लुक आप सभी देख लीजिएगा, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। चलिए पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया हुआ है, इसमें का मैंने दो मंगवाया हुआ है, मैं दोनों का ही लिंक दे दूंगी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके का शर्ट है ये, बिल्कुल लॉन्ग में शर्ट है, मैंने पिछली बार पहना था और मुझे काफी पसंद आया था, तो इस वजह से मैंने एक और मंगवा लिया, और काफी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे। मैं तो कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा प्रिंट मंगवाऊं, बिल्कुल लॉन्ग में है ये देखिए, और शिफॉन में है, बिल्कुल लाइट वेट है, मतलब गर्मियां हैं तो आप पहन सकते हैं इजिली, नॉर्मली अच्छा लगता है। कुछ लोग फैशन की वजह से पहनते हैं, कुछ लोग धूप से बचने के लिए पहनते हैं, बट इतना ये मोटा नहीं है कि धूप से बचाएगा, लेकिन हाँ फैशन के पर्पज से थोड़ा स्टाइलिंग करने के लिए आप ले सकते हैं, कि जैसे जींस और टॉप पहना हुआ है इसके ऊपर ये पहन लिया तो बड़ा अच्छा लुक आता है, मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद है। फ्लोरल प्रिंट है ये, पर्पल ब्लैक और थोड़ा सा ऑरेंजेस शेड है। फ्रंट से इस तरीके से आपको बांधना हो तो बांध भी सकते हैं, बांधने के लिए भी दिया गया है देखिए, और साइज भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से है ये, इसको खींच देंगे तो छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही पसंद है, किस तरीके से मैं दिखा रही हूँ क्या करूँ मैं, जल्दी जल्दी में मुझे इसी तरीके से दिखाना पड़ रहा है, इसलिए मैं साइड में लुक दिखा दे रही हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिख पाए कि पहनने के बाद प्रॉपर कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया हुआ है, पता है मैं बहुत दिनों से इसको सोच रही थी मंगवाने के लिए, मैंने कोशिश किया कि होली में आ जाए, लेकिन होली में नहीं ले पाई मैं, उस वक्त मैं भूल गई, मुझे जब तक याद आया तो फिर मतलब होली के बाद ये मुझे रिसीव होता, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं ऑर्डर कर दे रही हूँ, अगर होली में आ गया होता तो होली में ही पहना होता मैंने। ये देखिए इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा, नॉर्मली मुझे ये कलर बहुत पसंद आता है, तो साइज इसका मैं बता दूँ एम है, मैं अगेन कम्फर्टेबल ही रहती, फ्रॉक टाइप सा है ये, और 3/4 स्लीव है, स्लिप पे इस तरीके से लेस मिल जाएगा, फ्रंट की आप डिजाइनिंग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, कितना ही प्यारा इस पर डिजाइन बना हुआ है फ्रंट में देखिए, और कपड़े पे इस तरीके से प्रिंट है, पूरा फ्रंट और बैक में प्रिंट आपको मिल जाता है, फ्रॉक वाला है, घेर भी थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। साइड में मैं लुक तो लगाई दूंगी, आप सभी देख लीजिएगा कि कैसा लग रहा है लुक, पूरा लुक, और इस तरीके से प्लाजो है ये, प्लाजो है, और लेकिन इसमें भी ना घेर है, शरारा बोलते हैं ना इसको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि शरारा बोलते हैं, मैं इसको प्लाजो बोल रही हूँ बार बार, तो ये बड़ा अच्छा सा मुझे यूनिक सा लगा, मुझे मन किया पहनने की, इस तरीके से लेस लगी हुई है, काफी अच्छा लेंथ है, फैब्रिक काफी अच्छा है, साइजेस आपको मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस में भी हो सकता है कि यही मिले, लेकिन साइजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, और ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था तो इस वजह से मैंने लिया। देखती हूँ मैं इसको कब पहनती हूँ, बट जल्दी ही पहनूंगी, साइड में स्क्रीन पे लगा दिया है लुक, आप सभी देखते रहिएगा। और ये है इसका दुपट्टा, नेट फैब्रिक में दुपट्टा है, चारों तरफ इस तरीके से लेस लगी हुई है, बीच में भी लेस आपको इस तरीके से लगी हुई मिल जाती है, दुपट्टे की लेंथ जो है वो अच्छी है, जितनी होनी चाहिए दुपट्टे की लेंथ उतनी ही है, तो स्क्रीन पे चल रहा है, अब मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं चलती हूँ, और ब्लॉग में आप सभी आगे बने रहिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आता है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में पिन है, आप चेक कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं, साइज कलर डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, और ऑफर्स भी आते रहते हैं तो उसका भी फायदा उठाइएगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से, मतलब भीड़ इतनी ज्यादा थी, आज तो सैटरडे है और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज्यादा भीड़ लगी तो नहीं ना, लेकिन मैंने सबके लिए दुआ किया, अपने घर सब जितने लोग मुझे देखते हैं सबके लिए सब कुछ अच्छा होगा। चलिए मिलती हूँ मैं बाद में, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने, बाय बाय। मुझे भी ठंडी लग रही है, आपको चोट तो नहीं लगी ना, मैंने मिस्टेक से आपको बॉटल मार दिया, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं लगी, नहीं लगी, चलो बाय बाय। ठंडी है थोड़ा सा ना, व्यू आप सभी को दिखाती हूँ यहाँ का, बाहर एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, ये तो अभी गए हैं बाहर ना कुछ खाने पीने के लिए, कहना चाय मन कर रहा पीने का, इतनी ठंडी है यहाँ पे, इतना ठंडा मौसम।
टायर्स को बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी इसलिए मैं स्टोन पकड़ा। वाशु चलो इधर आओ। मैं स्टोन पकड़े हो गया। बाहर का टेम्परेचर जो है वो कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। और टाइम कितना हो रहा है? मैं वीडियो अपना एडिट कर रही थी, एडिट करके अभी अपलोड पे लगाया हुआ है। देखिए 8 o'clock हो चुके हैं हम। और खिचड़ी मंगवाया हुआ था वाशु को खिलाया, क्योंकि इसको मैं बाहर का बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खिला रही हूँ। और हमने अपने लिए इस वक्त दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी ही मंगवाया है, क्योंकि मसाले खाने का किसी का भी मन नहीं है। इस टाइम ठंड बहुत है, हमने सोचा था कि इस टाइम भी हम मंदिर जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देखते हैं अभी, कुछ भी हो सकता है, जा भी सकते हैं। 8 डिग्री सेल्सियस। स्वेटर भी मेरा भींग गया है, लाइट ऑन कर दिए। ऐसे भी सही आ रहा था, लेकिन ये था कि पिंक पिंक आ रहा था। टीवी ऑन कर दीजिए। देखिए आपसे मिल लीजिए, दिखना चाहते हैं? अभी वो नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर बाद। इसी तरह व्लॉगिंग करते जा रही हूँ, एंड नहीं कर रही हूँ। जो जहाँ जितने मिनट की वीडियो हो जाएगी, 12 to 15 मिनट्स की, उतना ऐड करती रहूँगी, इसलिए मैं एंड नहीं कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैं किसी व्लॉग में एडिट कर दूँगी कि आप सभी समझने को तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। और हमारा मेन पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने का ही है, घूमने आने का पर्पज़ नहीं है। वैसे भी इतनी ठंडी में कौन घूमने जाएगा, मैं तो एकदम नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, मेरे से किसी बहुत ही नॉलेजबल इंसान ने बोला मेरे से कि गुरु का नाम नहीं बताते हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, हम नहीं हर एक चीज़ ओपन कर सकते हैं। बट उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे। मैंने आप सभी के लिए दुआ मांगा है दिल से कि भगवान जी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सबको खुश रखिएगा। तो आप सभी मेरा साथ दीजिए इसमें, नाराज़ मत होइएगा। आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर हम सोए, मैं तो 1 घंटे सोई थी, वाशु भी 1.5 घंटे सोया था। सबकी नींद पूरी हो गई और मेरे पेट में बात पचती नहीं यार। मैं सीरियसली, मतलब जब मैं बैठी थी भगवान से दुआ कर रही थी सबके लिए, तो फिर मुझे लग रही यार भली मेरी 167 की फैमिली है, के की फैमिली है मेरी। और सारे लोग तो नहीं देखते, लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग देखते हैं उनके लिए भी, जो नहीं देखते उनके लिए भी भगवान जी मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना, उनको हमेशा ही खुश रखिएगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम है दूर कर दीजिएगा। कहाँ आई हूँ, क्या कर रही हूँ? लेकिन कुछ लोग गलत भी समझ जाते हैं ना, और कुछ लोग आके फालतू कमेंट्स भी 1-2 लोगों ने किया था, क्या कितनी घटिया सोच होती है ऐसे लोगों की। जाके ये सारे जो भी अगर इस तरीके के थॉट्स आए ना, तो जाके अपने घर में आपकी मम्मी होंगी उनसे बात कीजिए, आपकी बहन होंगी उनसे बात कीजिए, फिर देखिए ना कैसा लगता है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। इंसान अच्छी जगह पे आया है, अच्छी चीज़ों के लिए आया है, हर वक्त निगेटिविटी माइंड में नहीं रखना चाहिए। बी पॉजिटिव। इस वाले लाइट में बड़ा अच्छा आ रहा है, सुंदर सुंदर आ रहा है। देखिए इस वाले, ये वाली लाइट अच्छी लग रही है ना। और पता है आपको, ये रूम यही है, देखिए बहुत कुछ खास रूम नहीं है, लेकिन अब पहाड़ी एरिया है ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि एकदम सिटी की तरह रूम मिलेगा, आप एक्सपेक्ट करें कि एकदम हाई फाई मिले। यही सबसे हाई फाई है, मतलब यहाँ की पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ पे ही पूरा सब कुछ बना हुआ। तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इसका रेट इतना ज़्यादा होगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मतलब इतना मुश्किल से हमें मिला कि हमने जब कॉल किया एक दिन पहले, तो ये पता चला कि यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है। फिर मैंने कहा भगवान जी मुझे आना है, बच्चे की तबीयत भी इतनी ख़राब थी, मतलब मैंने बोला था ना कि जाने के पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि आप पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, बच्चे का दवा दिलाते हुए, उसको रास्ते में भी प्रॉब्लम हुई, सब कुछ करते हुए मैं यहाँ पे पहुंची और मैंने कहा भगवान जी प्लीज़ हमें रूम मिल जाए, मुझे एकदम पास में ही मंदिर के रूम चाहिए। और तुरंत हमें रूम मिल गया। भगवान जी इसको एकदम अच्छा रखे, ठीक रखे, और वैसे भी ठीक भी है मेरा बच्चा एकदम ठीक है। मैंने किया है कि जितने भी मम्मा को टेंशन है सब हट जाए और मम्मा हैप्पी हो जाए, मम्मा का काम भी कम हो जाए, कम हो जाए, पापा का भी हो जाए, मम्मा का भी काम कम हो जाए, पापा का भी, मतलब इसको ये लगता है कि मम्मा पापा नहीं, इसलिए बोल रहा ना कि इसको लगता है कि मम्मा पापा बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन बेटू काम हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, अब फिर से ये भी बोला कि सब जितना भी प्रॉब्लम है सबको सब ठीक। अच्छा ठीक है, सारी विश नहीं बता कहना चाह रहा हूँ। हाँ वो समझ, सही बात है, वाशु सही कह रहा है, भगवान जी समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। और आप सब भी समझ रहे, कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सा काम कम हो जाएगा तो आप लोग खेलेंगे। मैंने ऐसे भी खेलते हम लोग, मतलब बैट बॉल। अच्छा बैट बॉल, मतलब बाहर जाके आउटडोर गेम। हाँ आउटडोर गेम्स भी खेलेंगे वाशु, पापा आ जाएंगे ना यहाँ पे परमानेंट।
तो फिर खेलेंगे हम लोग, मुझे खुद बड़ा मजा आता है। ए निकाल लिया पर्दा निकल गया। अभी हमारे इधर आने का जो प्लानिंग हुआ, इतने कॉल्स आ रहे हैं, भैया ये भैया वो काम, ये काम वो काम, बस कह रहे सबको होल्ड किए हुए हैं बेचारे। रुक जाइए बस दो दिन, बस रुक जाइए दो दिन, बस रुक जाइए। और कह रहे हैं कि अब इसके बाद कहीं पे भी प्लानिंग कुछ दिन तक हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि पेंडिंग में काम ज़्यादा हो गया है, उधर भी हम लोग गए इधर भी गए, तो सारा लोड एक साथ आ जाता है। तो मैंने कहा हाँ वैसे भी मैं अब कुछ दिन रिलैक्स रहूँगी, फिर प्लानिंग हम करेंगे आफ्टर 5-6 मंथ्स, है ना। हाँ मुझे खुद घबराहट होने लग रही है, इतने कॉल्स आ रहे हैं ना, मुझे खुद घबराहट हो रही है, भैया ये काम, भैया ये हुआ है, भैया ये एकदम सुन के भगवान इनका मुँह एकदम बन जा रहा है। अरे यार मैंने कहा अच्छा ठीक है जाने दीजिए, बस कुछ दिन की बात है, भगवान सब ठीक करेंगे, उसके बाद फिर काम ही काम तो करना है। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, पैर तो हमारा लग रहा था एकदम जम गया, एकदम जम गया। और पता है ऐसे रास्ता ऐसे जिग जैग ऐसे वाला ना कि मुझे एकदम से लगा चक्कर आने, मेरा मन हो रहा था भगवान कि ऐसा क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने 2-3 जो स्ट्रॉबेरीज खाया हुआ था, इतने गंदे तरीके से मतलब वॉमिटिंग हो गया मुझे, और मैं डर गई, मुझे लग रहा था कि मेरे मुँह से ब्लड निकल रहा है क्या। फिर बाद में बोल रहे तुमने स्ट्रॉबेरीज खाया था। तो फिर मुझे ध्यान है अच्छा, अब देखिए इधर से जाने पे भी ऐसा ही होगा ना, ऐसे सर घूमेगा ना ऐसे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कितना डेंजरस यार, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैंने तो फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा इस तरीके से पहाड़, और पूरा दूर से मैं देख रही हूँ इस पहाड़ पे कैसे कोई जाता होगा, रास्ता कहाँ है। और उसके जब पहाड़ के अंदर जब से हम लोग ऐसे जा रहे थे, तब फिर लगा अच्छा इसके साइड साइड में पेड़ है तो पता नहीं चल रहा, दूर से देखने पे ये भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन हाँ ये है ना कि रास्ते इतने पतले पतले होते हैं और गाड़ियाँ ऐसे यूँ यूँ जाती हैं, डर लगता है यार। मैं तो कितनी जगह चिल्ला दिया मैंने, इतने प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी भगवान ने हमें अपने दर्शन के लिए बुला लिया, एक्सपेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। चलिए मिलती हूँ, ज़्यादा पका लिया बाद। बाय। तो ये आ चुका है हमारा डिनर, दाल तड़का चावल और सब्जी, रोटी पड़ी हुई है पर किसी का भी मन नहीं है खाने का, इसीलिए हमने नहीं मंगाया। खा चुका है लेकिन खाना होगा तो थोड़ा सा और खिला दूंगी। ठीक है, बस टीवी ऑन कर, ठीक है टीवी ऑन कर दीजिए। तो पापा मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।